देखिए दोस्तों, ये जो टावर गमला हमने बनाया है, ये हमने टमाटर के सीड उगा लिए हैं। ये चेरी टमाटर है और इसमें जो है नज़दीक से देखा भाई, इसमें हम जो है प्लस का इस तरह से चाकू से निशान बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें इस तरह से बना लेंगे। और इसमें से टमाटर गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार, आप देख रहे हैं इसके टेरिस एंड गार्डन टिप्स। आज हम टावर गमला बना रहे हैं, जो मात्र 1 फुट की जगह में ही कम से कम 20 पौधे लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, इतना चौड़ा पाइप लेके नीचे हमने छेद करके तार बांध दिया है, और ये जो हम ड्रिल मशीन से काटें इसको अच्छी तरह से माज लेंगे ताकि पौधों पर धक्का ना लगे, रूट खराब ना करे। उसके बाद इसको हम देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक रुको तो गिन ले पहले, 1 फुट के जगह में ये जो है इसमें 25 पौधे लग जाएंगे, जो हम इसमें टमाटर और बैंगन दोनों लगा सकते हैं। इसको नीचे हमने देखिए जाली बांध दिया है, और इस पर जो है ये जो है गोल सा फाइबर काटे हैं, इसमें लगा देंगे। नीचे लगा दिए और उसमें हमने होल बना लिया है ताकि पानी अच्छा से निकल सके। उसके बाद बनाएंगे इसके लिए मिट्टी। देखिए आइए मिट्टी बना के दिखाते हैं इसके लिए कैसी मिट्टी बनाना होगा। देखिए दोस्तों, ये है नॉर्मल गार्डन सॉइल, गमलों से निकला हुआ मिट्टी है। इसको जो है हम इस तरह से बनाएंगे मिट्टी कि इसमें जो है इस टावर गमले में बिल्कुल ड्रेनेज बना रहा है, वेल्ड्रेन मिट्टी बने। इसमें हम एक ही बार खाद या मिट्टी डाल सकते हैं, बार बार हम खाद इसमें नहीं मिला सकते, इसलिए इसको इस तरह से बनाएंगे मिट्टी को। इस मिट्टी में मिलाएंगे 50% मिट्टी लेंगे, और लगभग जो है मिट्टी का 30% इसमें हम ये देखिए ये है धान की भूसी, इस मिट्टी में हम इससे मिलाएंगे ताकि बिल्कुल स्पंजी मिट्टी बना रहे और ड्रेनेज अच्छा चले। इस मिट्टी को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे 2 मुट्ठी नीम खली, ये नीम खली का पाउडर है, 2 मुट्ठी से मिला लेंगे। उसके बाद देखिए ये नीम पत्तों से बना हुआ पाउडर है, नीम का पत्ता सुखा लें, उसको अच्छी तरह से सूखने के बाद क्रश कर लें, इस तरह से हो जाएगा। अगर ये आपको नीम खली नहीं मिलेगा तो इससे भी आपका बहुत अच्छा काम चलेगा, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। इसको भी इसमें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, ये जो है मिट्टी में फंगस लगने से बचाता रहेगा और मिट्टी को बिल्कुल स्पंजी बना के रखेगा। उसके बाद ये हम 2 मुट्ठी डालेंगे ये मॉस्टर्ड किट, ये जो है सरसों खली का पाउडर है, ये भी जो है नाइट्रोजन का भरपूर मात्रा इसमें होती है, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जो ये राख, ये लकड़ी का राख है,
ये भी छोटे छोटे जीवाणुओं से बचाता है मिट्टी को। इसे हम दो मुट्ठी डाल देंगे। इसे ज़्यादा नहीं उपयोग करना चाहिए। बंद कर दो। चलो भाई, ये देखिए है, ये गोबर से बनी हुई खाद तो साल भर पुरानी है, अब ताज़ा गोबर का इस्तेमाल ना करें। और देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को भी हम मिला लेंगे। तो इसमें हो गई 50% मिट्टी और 30% ये धान की भूसी, और बाकी में जो है वर्मी कंपोस्ट, उन गोबर की खाद, नीम खली। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। एकदम मिला के दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये जो है होल में मिट्टी जब हम भरेंगे तो बाहर आ जाएगी। उसके उपाय के लिए ये जो हम लाए हैं, इसको इस पर हम ऐसे चिपका देंगे, क्योंकि ये इतना पतला लेयर है कि इसमें ऐसे छेद करके इसमें हम पौधा डाल सकते हैं। इस तरह से पौधे का जो है जड़ इसमें से इस पर ख़राब भी नहीं होगा और आराम से इस तरह से देखिए थोड़ा सा फेविक्विक लगाएँ और इस पर रख दें। उसके बाद हम मिट्टी भरते जाएँगे। आइए सब लगा लेते हैं तो दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम चिपका देंगे और उसके बाद इसमें मिट्टी भर देंगे, और जब पौधा लगाना होगा इसमें से हम छेद करेंगे और पौधा लगा देंगे। तो पौधे का जो है, प्लांट का जो जड़ है, तना जो है, ख़राब नहीं होगा इसकी वजह से, और मिट्टी बाहर भी नहीं आएगी। अब आइए इसमें मिट्टी भरते हैं, उठा के भी दिखा दें। देखिए इसमें नीचे जो है सूखे पत्ते डाल देंगे, उसके बाद इसमें मिट्टी भरते हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे हम मिट्टी इसमें डालेंगे, बस करें आया दा रहा है, वीडियो बंद कर। देखिए ये पाइप है, पीवीसी पाइप, इसमें हम जगह जगह छेद कर लिए हैं। इसी को इस बीच में रखेंगे इस तरह से, लेकिन इससे रखने से पहले इसमें भी मिट्टी जा सकती है गमले की, तो इसमें जो है देखिए इस तरह के कंकर पत्थर भर लेंगे और उसके बाद इसे ऐसे लगा लेंगे। जब भी पानी हमें देना होगा इसमें से पानी डालेंगे और ये जो है चारों तरफ पानी फैल जाया करेगा इस तरह से सुरागों से। और इसमें गिट्टी रहेगा तो मिट्टी नहीं जाएगी, लेकिन पानी निकल के इन सुरागों से निकल जाएगा। और लास्ट में हमने इसका ढक्कन लगा दिया है कि पानी सीधे नीचे ना आए। देखिए दोस्तों, ये जो टावर गमला हमने बनाया है, ये हमने टमाटर के सीड उगा लिए हैं, ये चेरी टमाटर हैं। और इसमें जो है नज़दीक से देखा, इसमें हम जो है प्लस का इस तरह से चाकू से निशान बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें इस तरह से बना लेंगे, और इसमें से टमाटर निकाल के इसमें हम डाल देंगे। इसी तरह से सब में हम लगा लेते हैं। बंद कर दो। देखिए दोस्तों, ये हमने लगा दिया। इसी तरह से सारे टमाटो, चेरी टमाटो को लगा लेंगे। वैसे आप जब भी लगाएं ऐसा, तो हमेशा शाम के समय लगाएं। शाम के समय, रात भर में पौधा सेटल होता है, ये जो है दिन में लगाना थोड़ा सा रिस्की होता है। ये लगाने के बाद हम इसके लिए छांव बनाएंगे, तभी ये सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जब भी लगाएं तो शाम के समय ही लगाएं। बंद करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो है इस तरह से हमने सबको लगा दिया है। इस तरह से और भी हम पौधे लगा लेते हैं। उसके बाद इसमें हम देंगे ढेर सारा पानी। देखिए इस तरह से ये है,
तो इसी तरह से इसमें हम 25 पौधे लगा सकते हैं। आगे वीडियो में हम दिखाएंगे आपको किस तरह से ग्रोथ हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट में।